अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस CSS पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2014। प्रीवियसली हम लोग 2013 तक के जो पेपर हैं वो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ ईयर 2014 डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ जस्टिस इज़ गिविंग एवरी वन हिज ड्यू इज़ सेट बाय, किसकी कोटेशन है ये? ये कोटेशन है एरिस्टोटल की, ठीक है। The dissolution of Khilafat and the establishment of Grand National Assembly in Turkey was highly appreciated by, किसने appreciate किया था टर्की में खिलाफत की dissolution को? अल्लामा इकबाल ने। Author of the book Spirit of Islam is Sayyid Amir Ali. The concept of separation of powers was given by Montesquieu. Leviathan was written by थॉमस होब्स। ये तमाम तर क्वेश्चंस जो हैं, अभी तक पांचों क्वेश्चन जो हमने पढ़े ये सारे प्रीवियसली पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं सारे सवाल। बुक यूटिलिटेरियनिज्म वाज रिटन बाय J.S. मिल, हु वाज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट। तो यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं वो जर्मी बेंथम हैं, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जो किताब है वो J.S. मिल ने लिखी है। रोशोस पोलिटिकल फिलासफी फर्निश्ड बेसिस फॉर पॉपुलर सॉवरेंटी। रोशो जो है वो पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करता है, जनरल विल वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पॉपुलर सॉवरेंटी है। हु सेड लॉ इज़ द कमांड ऑफ अ डिटर्मिनेट सॉवरेन, जॉन ऑस्टिन की कोटेशन है ये, ठीक है। ओनली द विल ऑफ द सॉवरेन कैन बी द सोर्स ऑफ लॉ, हु सेड दिस। ये वाली जो कोटेशन है ये थॉमस होब्स की है। ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट मीनिंग में भी सिमिलर हैं, दैट द कमांड ऑफ अ डिटर्मिनेट सॉवरेन और द विल ऑफ द सॉवरेन। तो ये जो पहली वाली कोटेशन है ये जॉन ऑस्टिन की है, द कमांड ऑफ अ डिटर्मिनेट सॉवरेन, ठीक है, इसमें हमने कन्फ्यूज नहीं होना। और जो सेकेंड वाली है ओनली द विल ऑफ द सॉवरेन कैन बी द सोर्स ऑफ लॉ, ये थॉमस होब्स की कोटेशन है। नेक्स्ट है जी, दोज हु आर एक्टिव अगेंस्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट आर नोन एज एनार्किस्ट्स। जो एनार्किस्ट्स हैं वो चाहते हैं एक्सटर्मिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ना तो गवर्नमेंट हो, ना स्टेट हो, ना रिलीजन हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने याद रखनी है। एनार्की का मतलब यही है, लॉलेसनेस, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। तो दे आर वेरी एक्टिव अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सरप्लस वैल्यू इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन प्लेटोज आइडियल स्टेट वन रिचेज एट द पिनिकल ऑफ द स्टेट ऑर्डर एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। फिलासफर किंग की उसने 50 ईयर्स की जो है वो एज बताई है। 50 ईयर्स में जाकर उसका एजुकेशनल जो सारा स्कीम है वो कम्प्लीट होगा और उसके बाद वो फिलासफर किंग जो है वो बन जाएगा। वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ। विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलासफी। तो रिपब्लिक जो किताब है, प्लेटो की सारी फिलासफी पोलिटिकल स्कीम सारी उसकी जो है वो इसी किताब में मैंशनड है। द वर्ड पॉलिस मीन्स अ सिटी स्टेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो ये खालिद बी सईद की किताब है। जॉर्ज एच सेबाइन इज़ द ऑथर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी। The idea that virtue is knowledge is attributed to Aristotle, Plato, Montesquieu, या none of these? Correct answer is none of these. क्योंकि ये जो idea है ये Socrates का है। अक्सर लोग इसको Plato से भी attach करते हैं। काफ़ी सारी जो Plato की philosophy है उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो Socrates से similar है, लेकिन ये जो बात है, ये idea जो है virtue is knowledge, ये Socrates का है। पोलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट इज सेट बाय प्रोफेसर गार्नर। द सिटी ऑफ गॉड इज़ द वर्क ऑफ सेंट ऑगस्टाइन, ठीक है। तो ये थे जी हमारे पोलिटिकल साइंस पेपर वन के MCQs ऑफ ईयर 2014। अब हम लोग पेपर टू को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन ईयर, कौन से साल में मुस्लिम लीग बनी थी? 1906 में 30 दिसंबर को। कायद आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913, और कायद आज़म 1913 से 1920 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर थे। हु रोट द बुक पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, ये किसकी किताब है? लियाकत अली खान की।
हु रोट द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान. जिना ऑफ पाकिस्तान जो है ये स्टेनले वॉलपर्ट की किताब है, और इसी से सिमिलर जुल्फी ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी स्टेनले वॉलपर्ट की बुक है. ठीक है. हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो प्रेजिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे. सिंध वॉज सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे इन 1936. कायद आज़म रिज़ाइन फ्राम द मेम्बरशिप ऑफ कांग्रेस इन 1920. डैश थ्राइव्स अंडर द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कैबिनेट गवर्नमेंट जो है इट थ्राइव्स अंडर द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द डैश इज़ एन इंटरेस्टिंग इनोवेशन ऑफ द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ प्रिजीडियम. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेटअप अ फेडरल गवर्नमेंट. अ डैश फेडरल गवर्नमेंट क्वाज़ी फेडरल है. ठीक है. शिमला डेलीगेशन वॉज लेड बाई सर आगा खान. पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक इन 1956. द अमेरिकन सेनेट कंप्राइजेज ऑफ 100 सेनेटर्स. ठीक है. टर्किश गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक. कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949. करेक्ट आंसर इज ए. The quorum of the House of Commons is 40 members. और House of Lords का quorum है 30 members. The House of Lords is predominantly hereditary. इसमें 7 types of peers होते हैं और hereditary base के ऊपर होते हैं. कुछ spiritual lords होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि जिन्होंने country के लिए कोई peaceful कोई काम किया होता है. तो ये तमाम तर लोग जो है वो House of Lords में शामिल होते हैं, और mostly इसमें hereditary basis पर होते हैं, royal blood वाले जो होते हैं. The Electoral College in United States comprises of 538 members. ठीक है. House of Representative के 535 members होते हैं, Senate के 100 members होते हैं. Electoral College जो कि at the time of presidential election of United States of America इलेक्ट होते हैं ये मेंबर्स, ये 538 मेंबर्स होते हैं. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स. 7 आर्टिकल्स. ये शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, इसके सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं. तो ये थे जी पेपर 2 के MCQs. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.